गुड मॉर्निंग गाइस, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। वेलकम उदित, दीक्षा, प्रियंका, मोहिता, कौस्तुभ, वेलकम गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन गाइस। बिल्कुल आपके ब्लेसिंग्स के साथ, आपके लव एंड सपोर्ट के साथ मैं बहुत अच्छा हूँ। आप लोग सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, इस वीक की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही एनर्जेटिक मूड के साथ और एक पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है। आई ऑफिशियली वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। वेलकम टू दिस सीरीज, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम गाइज। All those people who are watching me for the first time, my name is Anshum Verma. I come from a defense background. I have done my schooling from Army Public School, Delhi Cant. And these are my educational qualifications. And guys, I have qualified UGC NET JRF exam. That means I am eligible to teach as an assistant professor in any university in our country. Plus guys, I already have a teaching experience of 10 years, and from past 10 years I am teaching various UPSC, CSC aspirants as well as CDS aspirants for defense forces and other exams as well. Now guys, I have myself qualified various defense exams. I have cracked CDS 7 times and yes, got recommended twice as well. Welcome Pushkar, welcome guys. So guys, in this is our Unacademy's official Telegram channel. Unacademy team के जितने भी educators हैं जो आपको Unacademy defense पर पढ़ाते हैं, वो सारे इस Telegram channel पर अपने links को share कर देते हैं। So आप लोग अपने अपने educators के timings को जान पाएंगे कि कब कब educators live आते हैं, so आप इनको इसको join कर सकते हैं। साथ ही गाइस, मैं आपको बता दूं, लेट्स क्रैक, ये सारे जितने भी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हो, ये सारे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स हैं। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम चैनल पर मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू कर रखी है, थाउजेंड स्टेप्स टू योर यूनिफॉर्म। इस थाउजेंड स्टेप्स टू योर यूनिफॉर्म में दोस्तों हम हर रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं सब्जेक्ट वाइज वीकली। जैसे फर्स्ट वीक मैंने आपको पॉलिटी कराया, देन ज्योग्राफी कराया, देन हिस्ट्री कराया, इकोनॉमिक्स कराया लास्ट वीक। इस हफ्ते हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर, डिफेंस के करंट अफेयर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इज इट क्लियर गाइस? सो लेट्स सी, ये बेसिकली जो डिफेंस का है उसको मैं जीएस के साथ मिक्स करके पढ़ाऊंगा, आपका थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरिया भी कवर हो जाएगा, तो ये एक मिक्स होगा। यहाँ पर आपको चीज़ों की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एलिमिनेशन मेथड भी सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। सो बहुत ही अमेजिंग सीरीज होने वाली है। इसके अलावा आप ये इन 10 चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर शॉर्ट एंड क्रिस्प 10-10 मिनट के कुछ वीडियोस मिलते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे किसी भी टॉपिक को क्विकली समझने में। एंड गाइस, 5 बजे इस डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट चैनल पर मैं SSB की प्रैक्टिस कराने आता हूँ आपको लाइव। जिसकी भी अपकमिंग SSBs है, आप मेरे साथ इस हफ्ते प्रैक्टिस कर सकते हो VAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इज इट क्लियर? और उसके बाद हम और लोग जो अभी फ्रेशर्स हैं वो लोग भी इसको आकर ज्वाइन ज़रूर करें, बिकॉज दिन में थोड़ा सा टाइम आप निकालें अपने SSB की प्रिपरेशन के लिए भी, अगर आपकी SSB नहीं है तो भी। साथ ही गाइस, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कीजिए। ये ऐप एकदम फ्री है, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, ये iOS पर भी अवेलेबल है। नाउ गाइस, इस ऐप पर बहुत सारी ऐसी स्पेशल क्लासेस होती है हर एजुकेटर की, जिसको फ्री क्लास बोला जाता है। आप इस क्लास को देखिए, आपको क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलेंगे, क्रेडिट पॉइंट्स के साथ नॉलेज भी मिलेगा। ये क्रेडिट पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो डिस्काउंट लेने में। इज इट क्लियर? ऑल्सो गाइस, आप ये यहाँ पर मेरा पॉलिटी का बैच अभी चल रहा है, अगर आप पॉलिटी को पढ़ना चाहते हो तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लो पॉलिटी का। अगर आप अपकमिंग सीरियस एग्जाम्स के लिए आप पढ़ना चाहते हो तो आप आ सकते हो, ठीक है। जय हिंद उदित, वेलकम जिज्ञासा, कौस्तुभ, आकाश, पुष्कर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान है,
अगर आप 2021 में सारे डिफेंस एग्जाम्स को देना चाहते हो, लगभग 10 से 15 डिफेंस एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप उन सब की तैयारी करना चाहते हो तो एक साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसका ओरिजिनल कॉस्ट तो 8800 रुपीस है, बट जैसे ही आप मेरा कोड लगाते हो आपको 10% ऑफ मिल जाता है, ठीक है। 24 मंथ्स पैक मैं उन बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देख सकते हैं जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, यू आर इन 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, यू कैन गो फॉर दिस 24 मंथ्स पैक एंड यू कैन बिल्ड योर फाउंडेशन फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द जीरो लेवल टू हीरो लेवल यू कैन बिल्ड योर फाउंडेशन। यू हैव टू जस्ट अप्लाई दिस कोड। एनी सब्सक्रिप्शन दैट यू आर प्लानिंग टू टेक ऑन अनअकैडमी, यू कैन अप्लाई दिस कोड फॉर एनी थिंग। नाउ गाइस, what you will get up by applying this subscription. Now these are the special courses that are designed by me. तो ये तो आपको मिलेगा, साथ में आपको maths, science, reasoning, english, that means all required subject will be covered by an academy in one single subscription. अलग से कुछ पे नहीं करना। एक बार 7920 rupees for 1 year and 11,520 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स आप पे कर सकते हो यूजिंग माई कोड। ये सारे कोर्सेज मैं आपको कराता हूँ, कंप्लीट SSB की प्रिपरेशन मैं आपको कराता हूँ। ऑल दोज लर्नर्स जो मेरा कोड इस्तेमाल करके आएंगे गाइस, मैं आपको पर्सनलाइज हेल्प दूंगा, वीकली टारगेट्स दूंगा। वीकली टारगेट्स के साथ मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप आप सबके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको कंबाइंड कुछ डाउट सेशंस, कुछ क्वेश्चंस आंसर, स्पेशल क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है। सो आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही अमेजिंग सेशन है हमारा, 1000 स्टेप्स टू योर यूनिफॉर्म। ओके, शंकर मंडल जी, सबसे पहले तो क्या करो, आप पास्ट ईयर पेपर्स को देखो, पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस करो कि किस हिसाब से CDS के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, यहाँ पर करंट अफेयर में जितना रिक्वायर्ड है, हिंदू के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, सारे न्यूज़पेपर से, सारे करंट अफेयर मैगजीन से मैं मटेरियल उठाकर आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। हर मंथ लगभग 15 घंटे की क्लास तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर की होती है। सो आप आ सकते हैं अनअकैडमी के साथ, ठीक है। सो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले सिर्फ 5 सेकेंड की वो डेली एक्सरसाइज हम करते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप से एक वादा कीजिए और अपने आप को इमेजिन कीजिए इस ग्रेसफुल यूनिफॉर्म में खड़े हुए, ठीक है। यू कैन इमेजिन योर सेल्फ विद योर ऑल सबकॉन्शियस पावर दैट येस आई विल क्रैक इट, इज इट क्लियर। और जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और फिर मैं आपको आज के क्वेश्चन आंसर्स लेके आ रहा हूँ, स्पेशली डिफेंस के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं आज हम। फटाफट वीडियो लाइक कर दो दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ अपने एजुकेटर के लिए। ओके, गुड मॉर्निंग शुभम। सो गाइस, अब हम इस सेशन में क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स ऑन इंडियन मिसाइल्स। आज के क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चंस ऑन सम इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम्स ऑफ इंडिया। हर वीक, हर दिन मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल लेके आने वाला हूं, ठीक है। सो लाइक ठोक दो सारे, जय महाकाल, लाइक ठोक दो और फिर आगे बढ़ते हम। यस मानसी, आई विल कवर मंथली करंट अफेयर, जैन एंड फेब का मैंने कवर करा दिया है। अभी मेरा पॉलिटी का बैच चल रहा है, पॉलिटी का बैच विल वाइंड अप दिस वीक, उसके बाद मैं मार्च अप्रैल का करंट अफेयर करा दूंगा, ठीक है। तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यूजिंग माई कोड, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी दिक्कत हो किसी लर्नर को कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, तैयारी शुरू कैसे करनी है, हाउ टू बिगिन योर एग्जाम प्रिपरेशन फॉर SSB फॉर रिटन, यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। और साथ ही ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। शुभम, सारे तो नहीं बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। सारे तो नहीं, CDS से पहले कोशिश करूंगा कि जितना रिक्वायर्ड है वो सारा कंप्लीट करा दूं। बिल्कुल दीपक, ऐसा होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भारत सरकार का, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एग्जैक्ट स्टार्ट कब हुआ, ये FCAT में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ईयर वाइज फैक्चुअल क्वेश्चन FCAT एग्जाम में, जिसका भी अप्रोचिंग FCAT है गाइस, ऐसे क्वेश्चंस आपको सीधा मिलेंगे।
यस डेफिनेटली शुभम, यू हैव द सब्सक्रिप्शन सो डोंट वरी, इट विल बी ऑन प्लस कोर्स ओनली. सो गाइस, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है. जरा बताओ मुझे ये कब शुरू हुआ. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर करना है. इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम है ये हमारे देश का, जो जिसमें अंदर हमने 5 मिसाइलें डेवलप करी हैं, बहुत ही खतरनाक 5 मिसाइलें. ओके नाउ गाइस, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, 1982. इज इट क्लियर? 1982 में ये रिसर्च इन मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारा शुरू करा गया था, क्योंकि ये पहले 1950 में पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इंडिया बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. नाउ द सक्सेसिव गवर्नमेंट आफ्टर हिज कंटिन्यूड प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट पॉलिटिकल बैकिंग टू दिस प्रोग्राम. नाउ इसको फाइनल, जो कहते हैं फाइनल स्ट्रक्चर इस प्रोग्राम को कब मिला, 1982 में, जब सारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, डिफेंस मिनिस्टर आर वेंकट रमन, दिस योर साइंटिफिक एडवाइजर एंड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ कलाम गेव द न्यू डायमेंशन टू दिस मिसाइल प्रोग्राम. अंडर दिस गाइस वी हैव डेवलप्ड 5 खूंखार मिसाइल्स. ये 5 खूंखार मिसाइल को याद रख लेना, इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इससे. पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग एंड अग्नि. आज की क्वेश्चन सीरीज में मैं इन सब मिसाइलों से भी क्वेश्चन लाने वाला हूं. सो इन सब मिसाइलों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं. आपको ये नोट करना होगा इन सारे मिसाइलों का नाम. इसको याद करने के लिए आप एक एक्रोनिम बना सकते हो, पटना. पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि, पटना. ठीक है, ऑल दीज मिसाइल सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड इन इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने ये मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम खत्म कब करा. व्हेन दिस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंडेड. करेक्ट, ये मेरे करंट अफेयर के उसमें भी था, बिकॉज इससे रिलेटेड कुछ न्यूज आई थी, तब मैंने इसको करंट अफेयर जनवरी के में कवर करा था. CDS में भी आते हैं. देखो ये सीधा हो गए फैक्चुअल क्वेश्चन कुणाल. CDS में थोड़े से अभी आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे. अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं CDS में, और इनमें से कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास में. ऑल दोज पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड मी गाइस, वीडियो को लाइक कर दो. ओके, आंसर टू क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 2008 गाइस. इसको हमने फाइनली एंड करा इन 2008 8th जनवरी. नाउ इंडिया नाउ डेवलप्स ऑल इट्स करंट एंड फ्यूचर मिसाइल एज इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स एंड व्हेनेवर पॉसिबल विद द प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन पार्टनर्स. हमने बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेटिव मिसाइल सिस्टम्स भी डेवलप कर रखे हैं, जैसे ब्रह्मोस एक हमें एक अपने आप में एक बहुत ही खूंखार मिसाइल है दोस्तों. ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. अब ये क्रूज मिसाइल क्या होता है, अभी बहुत जल्द मैं आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ. ये बने हैं ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा, इंडिया की और रशिया की दो बड़ी नदियों के नाम से बना ब्रह्मोस. इज इट क्लियर? और ये अपने आप में ये एक बहुत ही खूंखार मिसाइल है. करंट अफेयर के अभिराज, बहुत सारे मैं मंथली करंट अफेयर आपको कवर कराता हूं अनअकैडमी के प्लस पर. ठीक है, सारे न्यूज़पेपर्स का करंट अफेयर, सारी मैगजीन का करंट अफेयर, एक ही कोर्स में सारा मटेरियल इकट्ठा करके देता हूं मैं आपके लिए. ठीक है, ओके. एक अगला बहुत ही खूंखार सिस्टम है दोस्तों, जो 23 दिसंबर 2019 को DRDO ने टेस्ट फायर करा. इस सिस्टम का नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, QRSAM भी बोला जाता है इसको. ये है पर्टिकुलर CDS बेस्ड क्वेश्चन.
अब सवाल ये उठता है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट QRSAM। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होता क्या है, ये भी साथ के साथ समझाऊंगा। अच्छा फटाफट वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों जिसने भी अभी तक नहीं करा है। थैंक यू सो मच रौनक। मधु इट इज एंडेड बिकॉज हमने ये डेवलपमेंट सारा कंप्लीट कर लिया, ऑल द मिसाइल हैव बीन सक्सेसफुली मेड एंड डेवलप्ड एंड यू नो कमीशन इन टू द सर्विसेज। ओके मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर हेयर, QRSAM सिस्टम स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। सबसे पहले ये बनाया किसने है, DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ। ये हमारा एक PSU है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सरकारी कंपनी है, इन दोनों ने मिलके बनाया है। इन 2007 द प्रपोजल वॉज लॉन्च्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर योर OSAAK एंड कैवड्राट मिसाइल सिस्टम्स। दीज वेपन सिस्टम्स ऑफ मिसाइल दैट वॉज टेस्टेड हैज एन एक्टिव अरे बैटरी सर्वेलेंस रडार दैट ऑटोमेटेड कमांड द कंट्रोल सिस्टम एंड एक्टिव अरे बैटरी मल्टी फंक्शन रडार। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हो गई, अब मैं आपको बता दूं ये सिस्टम होता क्या है। आप इस सिस्टम को देखोगे तो ये ट्रक पर लोडेड एक सिस्टम है, ठीक है, ट्रक पर लोडेड एक सिस्टम है जिसके ऊपर मिसाइल लॉन्चर्स लगे रहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ जैसे ही कोई इनकमिंग मिसाइल हमारे एयर स्पेस में एंटर करती है, सो ये सरफेस टू एयर सिस्टम्स क्या करते हैं, ऐसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेते हैं हवा में ही, और फिर इससे मिसाइलें दागी जाती हैं और ये मिसाइलों को हवा में ही ख़त्म कर देता है, ठीक है। ऐसे सिस्टम को आप बोलते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इज इट क्लियर? सो इसका जो हमने टेस्टिंग कंप्लीट करी है वो दिसंबर 2019 में करी है। ये लगभग इसकी सारी डिटेल्स जितनी भी है मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको दे रखी है। मैं इस सेशन का PDF शेयर कर दूंगा दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल पर जो स्क्रीन के बॉटम में दिया है, क्रैक डिफेंस एग्जाम विद अंशुम। या आप अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है आप मुझे यहाँ मैसेज कीजिए और मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई डाउट है, तैयारी कैसे शुरू करनी है, तब भी आप मुझे यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर दोस्तों सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, 360 डिग्री कवरेज देता है ये, यानी जहां पर भी ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसके चारों तरफ से कहीं से भी अगर कोई इनकमिंग मिसाइल है ये उस मिसाइल को हवा में ही ख़त्म कर सकता है। इज इट क्लियर? सो ये इसका एक एडवांटेज है इंडिया के पास। उसके बाद अगली चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों वो है नाग मिसाइल। करेक्ट इंटरप्रिटेशन रौनक, बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन के साथ तूने सही करा है। वो इतना एडवांस अगर सिस्टम, इतनी एडवांस स्टेटमेंट अगर दी है तो सही होगी, ठीक है, लॉजिक लगाओ। ज़्यादातर ना वो छोटे मोटे फैक्ट में तुम्हें घुमाने की कोशिश करता है UPSC, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं घुमाएगा, छोटे मोटे फैक्ट्स में घुमाने की कोशिश करेगा। ये बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से स्टेटमेंट को पढ़ो और आंसर करो। नाग सिस्टम, ये नाग मिसाइल सिस्टम, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसको आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। यस वेरी गुड प्रेमजीत कुमार, ये एयर टू सरफेस नाग नहीं है, एयर टू सरफेस एक अलग सिस्टम है जिसका नाम अभी चेंज करा है, उसके बारे में भी, वो भी आ रहा है आज की क्लास में। आज की क्लास में दोस्तों मैं बहुत सारे मिसाइलों के क्वेश्चन लाया हूँ, इसी तरह कल कुछ प्लेन और हेलीकॉप्टर्स के लाऊंगा, फिर सबमरीन्स के लाऊंगा, ऐसे बहुत सारे रोज़ मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। इस पूरा हफ्ता हम डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट रहे। ऑल्सो इस जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस आपको मेरी सीरीज़ के पुराने वीडियोस मिल जाएंगे, मैंने पॉलिटी समझा रखा है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए हैं, ज्योग्राफी कराए हैं, इकोनॉमिक्स कराए हैं। ये पांचवा हफ्ता है हमारा जहां पर हम डिफेंस के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। प्रेमजीत आपको पढ़ा नहीं जा रहा क्या? ओके नाउ गाइस, मिनिमम डिस्टेंस जीरो कैसे हो सकता है? मिनिमम डिस्टेंस तपस, खुद सोचो क्या मिसाइल निकलते के साथ अपने वहीं गिर जाएगी? ऐसे कैसे हो सकता है? जीरो कैसे हो सकता है मिसाइल का डिस्टेंस कभी? सो गाइस, नाग बेसिकली एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। टैंक को फोड़ने के लिए कुछ स्पेशल मिसाइलें बनाई जाती हैं, क्योंकि टैंक का जो आर्मर्ड होता है यानी उसका जो बाहरी कवच होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उस पर आप नॉर्मल बुलेट्स फायर करोगे, ये फायर करोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो टेक्निकली ये DRDO का इंडिजीनियस डेवलपमेंट है, यानी हमने ये खुद बनाया है, ठीक है। और ये थर्ड जनरेशन फायर एंड फगट टेक्नोलॉजी है, ऑप्शंस में फिफ्थ जनरेशन लिखा हुआ था, तो यहाँ गलत हो जाता है स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज़ केपेबल ऑफ एंगेजिंग अ हाईली फोर्टिफाइड एनिमी टैंक्स इन ऑल वेदर कंडीशन, किसी भी मौसम में कैसे भी टैंक को फोड़ सकती है ये मिसाइल, और ये दिन में भी और रात में भी मारक क्षमता रखती है। इट यूजेज एन इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इन लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड। आपने कई सारे ऐसे गेम्स में देखा होगा, कॉल ऑफ ड्यूटी में वो जावलिन नहीं मारते आप टैंक के ऊपर जिसमें लॉक हो जाता है, जैसे ही आपने एक टैंक के ऊपर लॉक कर दिया, अब टैंक कहीं पर भी मूव कर जाए वो हीट सिग्नेचर के साथ इसको फोड़ेगा ही फोड़ेगा, ठीक है। सो इसका जो मिनिमम रेंज है वो 500 मीटर्स है और 4 किलोमीटर्स है। वैसे नाग के कई एडवांस वर्जन भी हमने बना लिए हैं जो लगभग 8 से 10 किलोमीटर की मारक क्षमता रखते हैं। एक एडवांस वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास में आ रहा है, ठीक है। मैं खेलता नहीं हूँ एक्स्ट्रा भाई, बट मुझे पता सब है, ठीक है। आई नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट दिस डिफेंस वेपन्स। ओके, फिफ्थ आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल हमारी, और ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम है। पहली स्टेटमेंट तो आप सबको पता है कि करेक्ट है ही है, क्योंकि अभी हमने बात करी थी। ध्रुव इज अ हेलीकॉप्टर रक्षिता। ध्रुव इज अ हेलीकॉप्टर। Which of the following is correct about Akash missile? Now guys, ये range से question, किसने बनाया, किस program के अंडर बना question, इनकी ये जितनी भी capabilities है ना, ये direct question CDS में आए हुए हैं, CAPF में आए हुए हैं, UPSC के लगभग हर exam में आपको ये question मिलेंगे ही मिलेंगे। Game समझ आ रहा है आपको? So बहुत important questions हैं ये। ओके, सो आंसर टू फिफ्थ क्वेश्चन इज गाइस डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट तो मैंने आपको अभी बताई थी कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर लॉन्च हुआ। इसकी जो अदर चीजें मैं आपको बताऊं, ये एक सरफेस टू एयर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है DRDO द्वारा, यानी इफ इन केस अगर हवाई अगर अटैक होता है, अगर दुश्मन देश का कोई फाइटर जेट हमारे एयर स्पेस में एंटर करता है, तो नीचे एक स्पेशल प्लेन के लिए डेवलप्ड एक सिस्टम है, एंटी सरफेस टू एयर एंटी प्लेन सिस्टम है ये, इसका नाम है आकाश। सो दोस्तों, किसी भी इनकमिंग प्लेन को ये इंटरसेप्ट करेगा और ऊपर हवा में ख़त्म कर देगा। इज इट क्लियर? सो इट वॉज डेवलप्ड अंडर IGMDP प्रोग्राम,
Now, the strike range is 25 kilometers and can carry warhead up to 60 kgs. Now guys, इसकी स्पीड है सुपरसोनिक मार्क 2.8 से लेकर 3.5 मैक तक ये स्पीड पकड़ सकता है. इज इट क्लियर? दिस मिसाइल सिस्टम कैन टारगेट एन एयरक्राफ्ट टू 30 किलोमीटर अवे एंड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 18 किलोमीटर इन हाइट. 18,000 मीटर पर किसी भी एयरक्राफ्ट को ये नीचे गिरा सकता है. ठीक है, सो एक अपने आप में बहुत ही खूंखार एयर सिस्टम है. इट इज नाउ राइट नाउ ऑपरेशनल सर्विस विद इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, दोनों इसको यूज करती है. नहीं ऋषि, ओटीए में मैथ्स नहीं आता है. ओटीए में सिर्फ जीएस का पेपर होता है और इंग्लिश का पेपर होता है. सिर्फ दो पेपर होते हैं, आपको मैथ्स नहीं पढ़ना. और आपको कंफ्यूजन है, आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो. यहाँ पर मेरे सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे जब जब मैं लाइव आऊँगा. और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो. तैयारी शुरू कैसे करनी है, मैं आप सबको पर्सनली हेल्प करूँगा जो भी ये कोड लेकर जुड़ेगा मेरे साथ अन अकेडमी के साथ. इंटरसेप्ट कैसे करता है कुणाल? उसके लिए आपको डीआरडीओ की तैयारी करनी है. हम डीआरडीओ की तैयारी नहीं कर रहे, इंटरसेप्टिंग इसमें सिस्टम्स लगे होते हैं. करेक्ट रौनक, बहुत जल्द आएगी, टेंशन मत ले, अपडेट करवाते हैं पबजी को भी. वैसे उसके प्ले लोड मोड में है तो सही है, सारे सिस्टम्स लॉक इन वाले सिस्टम प्ले लोड मोड में है. ओके, अग्नि टू ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी मिसाइल सीरीज है. अग्नि वन, अग्नि टू, अग्नि थ्री, अग्नि फोर, अग्नि फाइव. मौनी मलिक, नीचे देखिए, ये देखिए टेलीग्राम चैनल लिखा है, स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखिए, आपको दिख जाएगा. क्रैक डिफेंस एग्जाम विद अंशुम, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा. बिल्कुल अंशु, कभी कभार मैं भी खेल लेता हूं पबजी जब थक जाता हूं बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के, तो टाइम पास के लिए करना पड़ता है. ओके, सो गाइस, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है डी. लगभग सारी स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, मैं आपको अग्नि टू के बारे में बता दूं. अग्नि टू, अग्नि सीरीज को याद करने का सबसे इजी तरीका है खास तौर पर रेंज. दोस्तों, अग्नि सीरीज की रेंज कभी नहीं भूलोगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं. अग्नि वन की रेंज है दोस्तों 750 किलोमीटर, टू है 2000, थ्री है 3000, अग्नि फोर है 4000 और अग्नि फाइव की रेंज है 5500 किलोमीटर. ठीक है, सो अग्नि सीरीज की रेंज आज के बाद कभी मत भूलना. इंडिया का जो काम है, टेस्टिंग है, शुरू हो चुकी है अग्नि सिक्स पर. और दोस्तों, अग्नि सिक्स की रेंज होगी लगभग 8 से 10 हजार किलोमीटर. ठीक है, 8 से 10 हजार किलोमीटर की रेंज होगी. अग्नि सिक्स के प्रोटोटाइप्स पे काम चल रहा है. सो आने वाले 3 से 4 साल में आप देखोगे अग्नि सिक्स आ जाएगी भारत के पास. बट अभी अग्नि टू के बारे में क्वेश्चन है, तो भाई ये डीआरडीओ ने बनाई है. और ये एक सरफेस टू सरफेस यानी ग्राउंड टू सरफेस, एक दूसरे सरफेस से दूसरे सरफेस वाली रेंज की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है. ठीक है, जिसकी 2000 मारक क्षमता है और 1000 किलो का वजन लेकर चल सकती है. 17 टन इसमें मैक्सिमम पेलोड डाला जा सकता है. ठीक है, और ये लगभग 20 मीटर लंबी मिसाइल है. ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर. मतलब समझ लो आपके घर जितनी बड़ी होगी ये मिसाइल, ज़्यादा बड़ी नहीं है. ठीक है, सो ये IRBM इंटीग्रेटेड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर चलती है. अब ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, मैं आपको बहुत जल्द समझा रहा हूँ. ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा आज की क्लास में, उसके बाद समझाऊंगा. नाउ अग्नि टू मिसाइल इज अ पार्ट ऑफ अग्नि मिसाइल सीरीज विच हैज अ रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर. अग्नि वन हैज दिस, ये देखो अग्नि सारी रेंज मैंने यहाँ जो आपको लिखी है वो यहाँ दी भी हुई है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अग्नि टू.
अगला क्वेश्चन आ गया है अग्नि 5 के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसी खूंखार मिसाइल है जिसकी चोच जिस भी तरफ घुमा दी जाए वो देश अपने आप चुप हो जाएगा। यस आकाश, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ICBM, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की मारक क्षमता रखने वाला। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, अग्नि 5 को इंडिया बोलता है वेपन ऑफ पीस। देख रहे हो नाम क्या दिया है, वेपन ऑफ पीस। यह शांति बहाल करने में मदद करता है अग्नि 5। तो बताओ जरा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अग्नि 5 की एकदम सही है। और जितने भी लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो। ओके, मैं आप सबको बता दूं फायर एंड फैगॉट टेक्नोलॉजी क्या होता है। फायर एंड फैगॉट मिसाइल होती है कि आपने एक बार लॉक इन कर दिया कोई टारगेट या लोकेशन लॉक इन कर दिया आपने, तो चाहे जो मर्जी हो जाए मिसाइल इस लोकेशन पर जाकर लगेगी ही, डिविएट नहीं हो सकती अपने पाथ से। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पाथ से मिस होकर भाई यहां गिरनी थी वो गलती से आगे 2 किलोमीटर आगे गिर गई, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इसके अंदर मिसाइलों के अपने अंदर एक GPS नेविगेटेड सिस्टम लगे होते हैं जो इसको एग्जैक्ट लोकेशन पर ही जाकर छोड़ेंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 2 और 3, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये देखिए डिटेल्स मैंने यहां दे रखी है। अग्नि 5 मैंने आपको अभी बताया था ये DRDO ने बनाई सबसे खूंखार मिसाइल है। लगभग 2 मीटर चौड़ी और 17 मीटर लंबी ये मिसाइल 5000 से 5500 किलोमीटर तक की मैक्सिमम मारक क्षमता रखती है, ठीक है। तो लगभग चाइना का हर शहर हमारे यहाँ से, यहीं से इंडिया से बैठे बैठे हमारी रेंज के अंदर आ जाता है, ठीक है। अग्नि 5 इज अ मोस्ट एडवांस मिसाइल हैविंग न्यू टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेटेड विन इट्स टर्म्स ऑफ नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, ठीक है। और जो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ये थ्री स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट के साथ चलती है, ठीक है। वहां पर 2 स्टेज फ्यूल लिखा हुआ है, इसके अंदर 3 स्टेज फ्यूल डलता है, ठीक है। 3 स्टेज क्या होता है, अब इसके लिए थोड़ा सा साइंस एंड टेक में घुसना पड़ेगा। कुछ सॉलिड फ्यूल्स भी होते हैं, कुछ लिक्विड फ्यूल भी होते हैं और कुछ सॉलिड फ्यूल्स भी होते हैं। तो सॉलिड लिक्विड ऐसी सीरीज को आप क्या कहते हो, 3 स्टेज कहते हो। ये बिल्कुल आपके रॉकेट्स जो हम इसरो रॉकेट लॉन्च करता है ना, उन सब में भी ऐसे ही स्टेजेस के फ्यूल्स होते हैं। इसरो के कई भारी रॉकेट्स में तो 4 स्टेज फ्यूल भी होता है, सॉलिड लिक्विड, जिसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अगर नाम सुना हो बोला जाता है, उन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में 4 स्टेज आपका वो होता है क्या, द फ्यूल। इज इट क्लियर? अरे दिव्य, मैंने 5000 से 5500 बोला था, 5000 से 5500 मैंने बोला था लगभग ये मारक क्षमता रखती है, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज इसकी 5000 से 5500 बोली जाती है। सो अप्रोक्सीमेशन के जरिए से आप इसको ठीक कर सकते थे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था। बिल्कुल आकाश, मैं मंथली करंट अफेयर ऑलरेडी चल रहा है मेरा, जैन और फेब का मैं करा चुका हूं, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और कैसे लेना है मुझे इस पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। करंट अफेयर पूरा इन डेप्थ कराता हूं मैं, और GS के साथ लिंक करके, और वही करंट अफेयर आपको SSB के लिए भी पढ़ाता हूं मैं, मिक्स करके पढ़ाता हूं कौन सी चीज किसके लिए पढ़नी है, दोनों में आपको हेल्प करेगा मेरा करंट अफेयर का कोर्स। अग्नि फोर तो आप कर दोगे।
अभी तक जितना अग्नि सीरीज के बारे में पढ़ा है ना, उससे बहुत आसानी से आप अग्नि फोर के बारे में आंसर कर सकते हो। ठीक है आकाश, शाम को 6:30 बजे मेरे पॉलिटी की क्लास है, तो आप उसको अटेंड कर लेना। एंड ये रोज सेशन 11 बजे होता है। जितने भी लोग आज पहली बार जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, रोज सेशन 11 बजे होता है सुबह। इस पूरे हफ्ते हम डिफेंस के करंट अफेयर पढ़ेंगे। आप मेरी प्रोफाइल सर्च करो और प्लस कोर्स में जाना। प्लस कोर्स में जनवरी का करंट अफेयर मिल जाएगा और स्पेशल क्लास में फेब का करंट अफेयर मिल जाएगा। सर्च अंशुम वर्मा, दिस इज माय नेम रिटन ओवर द टॉप। ओके नाउ गाइस, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, 3 ओनली। अभी देखो, मैंने आपको बताया था ना, ये वाला अग्नि 5 का है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, दिस इज फॉर अग्नि 5। और ये वाला सिस्टम भी आपने अभी अग्नि 2 के लिए पढ़ा था। जो मैंने आपको अभी ये सिस्टम पढ़ाया था, गायरो सिस्टम, ये अग्नि 2 के लिए हमने पढ़ा था। ठीक है, सो बेसिकली अग्नि 4 की रेंज क्या है, आपका 4000 किलोमीटर, और ये 2 स्टेज है। यानी सिर्फ अग्नि 5 ही आपकी 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है, बाकी सारी अग्नि 4 तक 2 स्टेज ही मिसाइल है। सो जितनी मिसाइल बड़ी होती जाएगी, जितनी मिसाइल भारी होती जाएगी गाइस, आपको एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत होगी, सिंपल लॉजिक। और ये 5th जनरेशन मिसाइल है, इज इट क्लियर। बाकी सारी डिटेल्स मैंने यहाँ दे रखी है, ये PDF मैं शेयर कर दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पर जस्ट आफ्टर द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ मैं आपको समझाऊंगा बलिस्टिक मिसाइल होती क्या है, बट पहले आप अपनी नॉलेज से इसको आंसर करने की कोशिश करें। Which of the following is not correct about the ballistic missile? ओके, आंसर टू दिस क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन इज गाइस बी, 2nd स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूं। अब बेसिक फर्क समझ लो, बैलिस्टिक मिसाइल का क्या होता है और क्रूज मिसाइल का क्या होता है। ठीक है, बलिस्टिक मिसाइल क्या करती है दोस्तों, अगर मान के चलो ये आपकी बलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, दिस इज योर बलिस्टिक मिसाइल। नाउ दिस बलिस्टिक मिसाइल विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है और फिर एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है और टारगेट को फोड़ देती है। ऑन द अदर हैंड, एक क्रूज मिसाइल कैसे चलेगी, क्रूज मिसाइल सरफेस के पैरेलल चलती है, और भले ही इसका टारगेट मूव कर रहा हो, ये मूव करने वाले टारगेट को भी हिट कर सकती है। इज इट क्लियर। सो टेक्निकली इट फॉलोज अ बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलीवरिंग वन और मोर वॉरहेड्स एट अ प्री डिटर्मिंड टारगेट। ऑन द अदर हैंड, इट इज अ गाइडेड मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है, इट रिमेन इन द एटमॉस्फेयर and flies the major portion of its flight path approximately at a constant speed. So ये ऊपर जाएगी, atmosphere से बाहर निकलेगी, atmosphere में re-enter करेगी। इसका target दोस्तों predetermined होता है आपके ballistic missile का। इसका target
मोबाइल यानी चलता हुआ टारगेट भी हो सकता है, ठीक है। इसके ज़्यादातर स्मॉल मोबाइल टारगेट्स होते हैं, जैसे कोई एयरबेस हो गया, कोई आपका आर्मी बेस हो गया, उसको आपका कोई भी क्रूज मिसाइल फोड़ सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादातर पूरे शहर पर इम्पैक्ट डाल सकती है, एक बहुत बड़े रीजन में। करेक्ट रुद्र, एग्जैक्टली करेक्ट। ट्रक प्लेटफॉर्म्स या ऐसे कोई चलते फिरते प्लेटफॉर्म्स पर आपकी क्रूज मिसाइल फायर करी जाती है, ठीक है। दे आर गाइडेड ओनली ड्यूरिंग द रिलेटिव ब्रीफ पीरियड ऑफ फ्लाइट एंड द रेस्ट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी आर अनपावर्ड एंड गवर्न्ड बाय ग्रेविटी। अब जैसे ही ये ऊपर चली जाएगी, उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका जो फ्लाइट पाथ होगा वो ग्रेविटी से गवर्न होगा। इज इट क्लियर? सो ये वाली जो मिसाइल है वो सेल्फ नेविगेट होती है, यानी खुद से इसके अंदर सिस्टम लगा होता है, खुद से प्रोपेल होके चलेगी क्रूज मिसाइल, ठीक है। ये हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ती है तो ये ट्रैक करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। वेरेस जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल जैसी क्रूज मिसाइलें होती हैं, ये सरफेस के बहुत पास उड़ती हैं, सरफेस के बहुत पास उड़ेंगी, जिसका मतलब जो भी रडार सिस्टम होता है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। वेरेस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को डिटेक्ट करना आसान होता है क्योंकि वो ऊपर से आ रही होती है। यस आकाश, ब्रह्मोस सिस्टम जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ब्रह्मोस इंडिया का जो सिस्टम है ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल सिस्टम है और ये क्रूज मिसाइल सिस्टम लैंड, एयर, वाटर तीनों से डिलीवर करा जा सकता है, ठीक है। इसकी खासियत ये है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंट्स ऑफ नाग मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम द हेलीकॉप्टर? मैंने आपको बताया था ना, नाग का एक नया वर्जन इंडिया ने टेस्ट कर लिया है, ये भी 2019 का टेस्ट है। एक नया वर्जन इंडिया ने टेस्ट कर लिया है हेलीकॉप्टर से, उस मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? अरे मयंक बस करो भाई, एक बार आंसर देना होता है। एक्साइटेड हो गया मयंक आज क्लास में। करेक्ट, हेलीना। हेलीना का फुल फॉर्म ही है दोस्तों, हेलीकॉप्टर्ड फायर्ड नाग, हेलीकॉप्टर्ड फायर्ड नाग। इज इट क्लियर? सो अपने आप में एक बहुत ही खूंखार सिस्टम है गाइस। इसको हमने MI-35 हेलीकॉप्टर से टेस्ट फायर करा था, अपाची में अभी तक इसको माउंट नहीं करा गया है, ठीक है। ये किसी भी टैंक को फोड़ सकती है एक हाइट पर जाकर, और जैसे ही आप एक हाइट पर मिसाइल को फायर करते हो, प्लस इसका एडवांस वर्जन इंडिया ने फायर करा, लगभग 8 से 10 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता अटेन कर ली गई है, ठीक है। ये वाला आपका जो सिस्टम, ये जो मैंने लिखा है नाग, ये नाग के बारे में लिखा है। हाउएवर हेलीना को हमने ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से भी ट्राई कर लिया है, रुद्र हेलीकॉप्टर से भी ट्राई कर लिया, ये दोनों हमारे लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है। और इसका जो रीसेंट टेस्ट है MI-35 हेलीकॉप्टर, रशियन हेलीकॉप्टर से भी हमने इसको फायर करा है। इज इट क्लियर? इसकी जो रेंज है, अब नाग की सिर्फ 4 किलोमीटर थी, इसकी जो रेंज है लगभग 8 से 10 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज हो गई है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अस्त्रा मिसाइल, अस्त्रा मिसाइल सिस्टम। ये भी एक रिसेंटली इंडक्टेड मिसाइल है दोस्तों, और इसको MKI Sukhoi 230 से टेस्ट फायर करा था इंडिया ने। अपने आप में बहुत ही खूंखार मिसाइल है दोस्तों अस्त्रा।
यस गाइस, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ गाइस, अस्त्रा मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो एक BVRM टेक्नोलॉजी पे चलती है। फॉर एग्जांपल, अब एक जो फाइटर पायलट है हमारा, मान के चलो दिस इज Su-30। नाउ दिस Su-30, द फाइटर पायलट व्हाइल फ्लाइंग दिस कैन हिट अ टारगेट इन टू वेज। वंस द केस वन, व्हेन द टारगेट इज विजिबल, जब टारगेट दिख रहा है, सो यहां पर फायर कर दिया जाएगा। ठीक है, फायर कर दिया जाएगा टारगेट जो दिख रहा है। उसके बाद एक बियॉन्ड द विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी भी होती है कि भाई दूर का एक टारगेट है, इस सुकोई को टारगेट की लोकेशन पता है बस, सो डायरेक्टली ये लोकेशन पर फायर कर दिया जाएगा और टारगेट अपने आप हिट कर दिया जाएगा। गेम समझ आ रहा है? पायलट ने इस टारगेट को अपनी आंखों से देखा भी नहीं और फिर भी हिट कर दिया। ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल। ठीक है, और ये इंडिजीनियसली एयर टू एयर मिसाइल है। ये किसी प्लेन पर भी फायर करी जा सकती है और प्लेन से सरफेस पर भी फायर करी जा सकती है। ठीक है, दूर कोई अगर हमारा फाइटर जेट हमसे डॉग फाइट करने आ रहा है तो उसको भी हिट करा जा सकता है इस अस्त्रा मिसाइल से। ये 4.5 मैक की स्पीड से चलती है और लगभग 70 किलोमीटर की रेंज इस मिसाइल सिस्टम की है। इज इट क्लियर? ये सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ दे रखी है इस टेलीग्राम, मैं जो इस सेशन का PDF है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जस्ट आफ्टर द क्लास शेयर कर दूंगा। दोबारा मैं बता देता हूँ अस्त्रा के बारे में। दोस्तों देखो, अस्त्रा सबसे पहले इंडिजीनियसली डेवलप एयर टू एयर मिसाइल है। इंडिजीनियस का मतलब इंडिया में खुद डेवलप करी गई है DRDO द्वारा। ये एक बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, नहीं राफेल में अभी तक हमने इसको टेस्ट नहीं कराया यार, राफेल अभी कुछ टाइम पहले तो आए हैं। ठीक है, हमने इसको अपने Sukhoi-30 से टेस्ट करा था। Sukhoi-30 हमारा रशियन कुंकर प्लेन है दोस्तों। अब ये क्या होता है, ये मिसाइल सिस्टम यहाँ से फायर होगा, दो तरीके से टारगेट को हिट कर सकता है एयर टू एयर कॉम्बैट में। एक तो सामने वाला प्लेन आपके सामने हो, उसको आप सीधा अपनी मिसाइलों से हिट कर सकते हो। दूसरा, दूर कहीं एक फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, आपको उसकी लोकेशन पता है, आपको आपके रडार सिस्टम में उसकी लोकेशन दिख गई कि भाई हाँ एक प्लेन यहाँ पर उड़ रहा है, सो उस लोकेशन को इंटरसेप्ट करके जब यह फायर कर दी जाएगी तो भले ही वो प्लेन पायलट की नज़र में ना हो बट फिर भी इसको हिट करा जा सकता है। बियॉन्ड द विजुअल रेंज यानी जो नज़र से दूर है फिर भी हिट करा जा सकता है। इज इट क्लियर? इसकी स्पीड लगभग 4.5 मैक है और रेंज इसकी 70 किलोमीटर है। ठीक है, ओके। नाउ गाइस, QRSAM ये सिस्टम मैंने अभी भी बताया था, ये क्वेश्चन एक नए तरीके से फ्रेम्ड है, सो इसको आंसर करो। हमने पहले भी इस सिस्टम को पढ़ लिया है, सो ये बताओ कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है। आकाश, वो समझाने के लिए है, इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर में नहीं मेजर कर सकते क्या? करेक्ट। अच्छा, ये सोनिक स्पीड क्या होती है, मैं आप सबको ये भी समझा दूं गाइस। जब भी कोई स्पीड ऑफ साउंड से कोई भी चीज उड़ेगी ना, चाहे वो प्लेन हो चाहे मिसाइल हो, उसे सोनिक स्पीड बोल दिया जाता है। 0 मैक से लगभग 2.5 मैक तक, 0 मैक से लगभग 2.5-3 मैक तक उड़ने वाली चीजों को आप क्या बोल देते हो? सुपरसोनिक। सुपरसोनिक या कई बार 5 मैक तक की चीजों को भी आप सुपरसोनिक बोल देते हो। 5 मैक से जब चीजें तेज उड़ने लगे तो उसको बोला जाता है हाइपरसोनिक। ठीक है, 5 मैक से ग्रेटर स्पीड हो जाए, और 0 से अगर कम हो तो उसको बोलते हैं सबसोनिक। ये नाम देने के तरीके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सी सिस्टम है, सी है।
क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पृथ्वी को रिप्लेस नहीं कर रहा है दोस्तों, आकाश को रिप्लेस कर रहा है। यूपीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन से खेलती है। ये क्वेश्चन दोबारा मैंने इसलिए डाला कि ताकि आपकी नॉलेज को चेक करा जा सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है गाइज ये QRSAM, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे ही मैं PDF ये सेंड कर दूंगा, इन सब के नोट्स आपको बनाने हैं और कल की क्लास में आप कोई मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? सुचित मैंने बताया तो था, फिर से क्या बताना है एग्जैक्ट? अच्छा, आप ये सोनिक स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं। मैं एक और बार बता देता हूं सोनिक स्पीड का मतलब क्या होता है। सोनिक स्पीड इज एनी स्पीड विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड से कोई भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट उड़ेगा तो उसको बोला जाता है सोनिक स्पीड से उड़ रहा है। अगर 5 Mach, 0 से 5 Mach की स्पीड अगर कोई भी प्लेन या ये पकड़ता है तो इसको बोल दिया जाता है क्या? सुपरसोनिक। और 5 Mach से ग्रेटर की स्पीड अगर पकड़ता है तो उसे बोला जाता है हाइपरसोनिक। इसी तरह सोनिक से कम जो स्पीड उड़ेगी उसको बोला जाता है सबसोनिक। ठीक है, बिल्कुल है दिव्य। हम ब्रह्मोस का जो एडवांस वर्जन टेस्ट कर रहे हैं वो हाइपरसोनिक होने वाला है। अभी न्यूज में भी था, अमेरिका और रशिया दोनों ने ही अपनी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स डेवलप कर लिए हैं। यूएसए ने सबसे पहले, रशिया ने करा, उसके काउंटर में यूएसए ने भी कर लिया। आपको पता ही है कि दे आर कॉम्पिटिटर्स। मैक साइंस का टर्म है कुणाल। मैक इज अ प्रोपोर्शन, एक रेशियो होता है, फॉर्मूला होता है। यस करेक्ट आकाश। ठीक है, इसको एक फॉर्मूले से निकाला जाता है बेसिकली, और एक यूनिट है, SI यूनिट है। ओके। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है पिनाका। ये पिनाका सिस्टम क्या है जरा ये बताओ। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द पिनाकास? ये पिनाका सिस्टम आपने जरूर देखा होगा। कल से काम करता हूं मैं, इन सब की ना फोटो भी अटैच करूंगा आप लोगों के लिए। कल से क्लास को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूं, इसके साथ साथ आपके लिए कुछ फोटोज भी अटैच करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बने। एंड ऑल दोज पीपल हु आर जॉइनिंग मी जस्ट नाउ गाइस, वीडियो को लाइक कर दो थोड़ा, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना, क्रैक डिफेंस एग्जाम विद अंशुम। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करो आप। यहाँ पर मैं अपने सारे इस सेशन का PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा जस्ट आफ्टर द क्लास। और ये मेरा WhatsApp नंबर है, किसी को भी कंफ्यूजन है कि एग्जाम की तैयारी शुरू कैसे करनी है आप मुझे यहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है और तैयारी कैसे शुरू करनी है। और ये मेरा कोड है ANSHUM। ओके, 13th का आंसर क्या है दोस्तों? 13th का आंसर है ए। पिनाका बेसिकली वो एक सिस्टम है, आपने देखा होगा ट्रकों के पीछे एक बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर्स लगे रहते हैं, आपने देखा होगा ट्रक के पीछे। कल मैं लाऊंगा आपको ना, कल की जो स्लाइड होगी उसमें जो भी सिस्टम मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी फोटो मैं अटैच करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप हो। सो ये मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम होते हैं, एक के बाद एक इसमें बहुत सारे रॉकेट्स निकलते हैं। ठीक है, सो टेक्निकली जो इसकी रेंज है वो इतनी ज़्यादा है नहीं। पिनाका इज द इंडिजीनियस मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO फॉर द आर्मी। इट्स वेपन सिस्टम हैज़ स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस किट
that blasted by an advanced navigation control system. Pinaka Mark II rocket is modified as a missile by integrating with the navigation system. It has a range of almost 75 km with high precision. यानी एक हमारे आर्टिलरी सिस्टम का पार्ट बन जाता है, ये तोपखाने का पार्ट बन जाता है. लगभग 70 से 80 किलोमीटर में ये इसका प्रिसिजन बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, जो इनिशियल इसके मार्क वन जो आपके वो थे मार्क वन इसके जो हमने पिनाका रॉकेट्स बनाए थे उसकी रेंज सिर्फ 40 किलोमीटर थी. उसके बाद ये मार्क टू बन गया 70 से 80 किलोमीटर की रेंज का. अभी मार्क थ्री पर भी काम चल रहा है, मैं आपको बता दूं बहुत जल्द ये आएगा मार्क थ्री वर्जन भी. ठीक है, बिल्कुल कुणाल, मैं आपके लिए बहुत काम करता हूं, बस थोड़ा सा सपोर्ट करा करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और थोड़ा शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बस इतना रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे. ठीक है, इतनी मेहनत का थोड़ा सा वो दो. हाँ भाई, आ गई है दुनिया की सबसे भयंकर फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल. करेक्ट अक्षिता, ये हमने बहुत लेटर स्टेज में यूज़ करा कारगिल में. यस रागिनी, दिस इज़ फॉर एफ कैट एंड सीडीएस बोथ. दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन बोथ द पेपर्स. दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है दोस्तों. अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ अ क्रूज मिसाइल. ब्रह्मोस के नए वर्जन हाइपरसोनिक होने वाले हैं, 5 मैक से ऊपर की स्पीड से चलेंगे ये. ओके, नाउ गाइस, आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. इज इट क्लियर? ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट योर सेकंड स्टेटमेंट. योर सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. टेक्निकली इट शुड बी 1 एंड 3. ऑप्शंस यहां पर गलत है. इट शुड बी 1 एंड 3. ऑप्शन सी में होना चाहिए था 1 एंड 3. ठीक है, सो इट इज़ अ 2-स्टेज सिस्टम विद अ फर्स्ट स्टेज विद अ रामजेट इंजन. ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो लिक्विड रामजेट है एंड इट इज़ अ एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम विद अ फ्लाइट रेंज ऑफ 300 किलोमीटर. ठीक है, न्यू ब्रह्मोस आफ्टर इंडियाज एंट्री इंटू MTCR. अब ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है गाइस MTCR, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स में. ठीक है, करंट अफेयर के कोर्स में जो प्लस पर होगा. सो इस पर अब इसकी रेंज बढ़ा दी गई है लगभग 450 किलोमीटर. इट इज़ अ मल्टी प्लेटफॉर्म, यानी इसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च करा जा सकता है. ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप इसको लॉन्च कर सकते हो, लैंड, एयर, वाटर, सारी चीज़ों से आप इसको लॉन्च कर सकते हो. बाय द वे, मैं आपको बता दूं, इंडिया सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज में से है जो कि अपना क्रूज मिसाइल को डिलीवर कर सकता है तीनों से, लैंड, एयर, वाटर से. बहुत ही कम कंट्रीज वर्ल्ड में ये काम कर सकती हैं कि किसी क्रूज मिसाइल को तीनों प्लेटफॉर्म से मारा जा सकता है. हमने इसको भी हमने रिसेंटली टेस्ट करा था सुकोई में, Su-30s में हमने इसको टेस्ट कर दिया है. और इट इज़ ऑल्सो ऑपरेट्स ऑन फायर एंड फ्रकॉट टेक्नोलॉजी, मतलब इसका प्रसिजन रेट बहुत ज़्यादा हाई है और लगभग 2.8 मैक स्पीड से ये अभी उड़ती है, तभी इसको बोला जाता है सुपर सोनिक. ठीक है, तभी इसको क्या बोला जाता है, सुपर सोनिक. ओके, अगली मिसाइल सिस्टम है बर्राक. हाँ, थोड़ा सा ऑप्शन में वहाँ पर गलती हो गई, वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया, टाइपिंग एरर. ठीक है, वो जल्दबाजी में कई बार होता है गाइस, बहुत कुछ मैं मैनेज कर रहा होता हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 बराक मिसाइल। बाय द वे ये मैंने आपको पहले भी इसका जिक्र करा था कि इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ ये मिसाइलें डेवलप कर रहा है। ये CDS और FCAT में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये बराक। ओके नाउ गाइस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। ठीक है, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी 1, 2 एंड 4। इट इज टेक्निकली डेवलप्ड बाय इजराइल एंड इंडिया। ये इजराइल और इंडिया का टर्म है। ये देखो हिब्रू सिस्टम यहां पर दिया भी हुआ है, हिब्रू नाम, हिब्रू लैंग्वेज कहां बोली जाती है? इजराइल में। ठीक है, तो आप यहां से गेस कर सकते थे। इट इज एन इंडियन इजरायली लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एंड विच इज न्यूक्लियर कैपेबल बलिस्टिक मिसाइल। इट इज डिजाइन टू डिफेंड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एयरबॉर्न थ्रेट इंक्लूडिंग एन एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल्स, UAVs एज वेल एज क्रूज मिसाइल्स टू कॉम्बैट जेट्स आउट ऑफ द मैक्सिमम रेंज ऑफ 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर के अंदर कोई भी एरियल टारगेट आएगा, कोई भी उड़ता हुआ टारगेट आएगा, ये उसको फोड़ सकता है। इट हैज़ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 2 Mach एंड ऑपरेशनल रेंज ऑफ 70 किलोमीटर विच हैज़ बीन रिसेंटली इंक्रीज टू 100 किलोमीटर्स। इट हैज़ बोथ मैरिटाइम एंड लैंड बेस वर्जन, यानी इसको समुद्र से, पानी से भी मारा जा सकता है और इसके लैंड बेस सिस्टम्स भी हैं, और ये इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम और DRDO ने मिलकर डेवलप करा है। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द बराक सिस्टम, अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। इसमें अभी 5 क्वेश्चन और है, बट मैं ये सब आपके लिए लाऊंगा अब कल की क्लास में। जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है मैं आपको कल लेके आऊंगा। ठीक है, so right now it is time for daily motivation। ठीक है, मेरे हर सेशन में आपको एक डेली मोटिवेशन जरूर मिलता है दोस्तों, ताकि आप हमेशा पम्प्ड अप रहें। PDF इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, क्रैक डिफेंस एग्जाम विद अंशुम। इस टेलीग्राम चैनल को सारे ज्वाइन कर लीजिए, PDF यहाँ मिल जाएगी। कल 11 बजे मेरी क्लास है और शाम को 5 बजे SSB के लिए भी क्लास है, 5 PM SSB। आज से वैट कराऊंगा इस पूरे हफ्ते, वैट की प्रैक्टिस आप लाइव मेरे साथ कर सकते हो। साथ ही 6:30 बजे हमारा पॉलिटी की क्लास है, जो रेगुलर पॉलिटी का मेरा बैच चल रहा है। पॉलिटी एकदम स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ, आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। कबीर, क्लास से अगर पहले दे दूंगा तो सारे आंसर आप यूं ही कर दोगे, क्लास क्यों आओगे? ठीक है कौस्तव, धीरे धीरे ये सब याद होगा, लॉजिक से याद होगा। हर मिसाइल सिस्टम का अपना काम है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी तुम लोग हो हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं। क्या सारे लोग सेम हैं? नहीं। ठीक है, सो इसलिए देर इज अ डिफरेंस। कौशिक, आकाश, मेरे टेलीग्राम चैनल पर एक डाउट्स ग्रुप है जहां पर आप ऐसी कोई डिस्कशन कर सकते हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ पर डाउट डिस्कशन भी है। आप यहाँ पर अपने टैट वैट को आपस में डिस्कस कर सकते हो। ये मैंने इसलिए यहाँ पर 2 चैनल्स बना रखे हैं। जिसको ये टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आई विल शेयर द लिंक। चलो, टाइम नाउ फॉर डेली मोटिवेशन। स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू कैन डू, इट कम्स फ्रॉम ओवरकमिंग द थिंग्स यू वंस थॉट यू कुडंट। यानी जो ताकत दोस्तों आपको उन चीज़ों से आती है जिनके बारे में आपने सोचा कि आप नहीं कर सकते और आप वो कर दिखाएं, उसे कहते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, उसे कहते हैं करेज। ये सिर्फ जिम करके या बॉडी बिल्डिंग करके ही नहीं आती दोस्तों, ये एक अंदरूनी ताकत है। इज इट क्लियर? ये एक अंदरूनी ताकत है जिस पर आपको काम करना पड़ेगा।
क्या बात है कपिल सिरोही, थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट डियर। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो दोस्त, क्या शेरो शायरी लिखी है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आए। कल से मैं आपके लिए इन सारे सिस्टम्स की फ़ोटो भी अटैच करूँगा, ठीक है, हर सिस्टम की एक फ़ोटो भी अटैच कर दूँगा ताकि आपको दिखे कि ये है क्या, ठीक है। कई बार जगह नहीं रहती है वहाँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट एंड लव। फटाफट मेरी इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को भी लाइक कर दो। इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे ऐसे सेशंस आप लोगों के लिए तैयार करे हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स, और इस हफ्ते करंट अफेयर फॉर डिफेंस। आप आओ जुड़ो मेरे साथ, अफसर बनाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। सो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ, 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ नहीं बोल रहा, सिर्फ 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। उनको भी बताओ कि व्हाट वी आर डूइंग। यस पुष्कर, आई नो दैट, मुझे डेली स्टूडेंट्स पता है। थैंक यू सो मच कीर्ति। ओके सो दोस्तों मिलते हैं अब 5 बजे वैट सेशन के लिए। एवरीवन गेट रेडी, और तब तक के लिए इसके नोट्स बना लेना, आई मीन शेयरिंग द पीडीएफ जस्ट आफ्टर द क्लास। ओके द टैगर्स, यू कैन कम एट 11 AM डेली, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो टिल देन दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मेहनत करते रहिए, सपने ज़रूर सच होंगे। मिलते हैं शाम 5 बजे और 6:30 बजे।